नमस्कार, मैं हूं संगीता राय। पूर्वांचल एक्सप्रेस न्यूज के इस वेब पोर्टल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। आजमगढ़ पुलिस ने जहरीली शराब की तस्करी करने वाले 25,000 के इनामी संजय कुमार को गिरफ्तार किया है। संजय कुमार के कब्जे से पुलिस ने अवैध देसी शराब और शराब के सीसी के साथ ही भारी मात्रा में रैपर भी बरामद किए हैं। गिरफ्तार शराब तस्कर संजय कुमार का नाम पिछले दिनों आजमगढ़ के पवई गाँव और अम्बेडकर नगर जिले में शराब पीने से हुई कई व्यक्तियों की मौत के बाद सामने आया, जिसमें आरोप था कि संजय कुमार ने ही गाँव में अवैध शराब को सप्लाई किया था, जिसके पीने के बाद ही लोगों की मौत हुई थी। पुलिस की तरफ से की गई जांच पड़ताल में पता चला कि गिरफ्तार संजय कुमार बेहद लंबे समय से अवैध शराब की तस्करी में शामिल है। उसने अपने नाम से दो देसी शराब के लाइसेंस के ठेके भी ले रखे हैं। लाइसेंसी शराब के ठेके की आड़ में वह अवैध शराब बनाकर बेचता था। पुलिस ने हाल ही में मोतीलाल नाम के शराब तस्कर का गैंग भी रजिस्टर किया है, जिसका संजय कुमार सक्रिय सदस्य है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार शराब तस्कर की उन संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है जो इनकी अवैध शराब के धंधे को अर्जित किया है। संपत्ति को चिन्हित करके जल्दी संजय कुमार के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए संपत्ति को कुर्क और जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। एसपी सुधीर कुमार सिंह का कहना है कि जिले में अवैध शराब के कारोबार करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कोई भी अवैध शराब की तस्करी में शामिल पाया जाएगा तो उसकी गिरफ्तारी के साथ ही उसके खिलाफ गैंगस्टर के तहत संपत्ति को कुर्क करने की कार्रवाई भी की जाएगी। अभी हाल में अम्बेडकर नगर और आजमगढ़ में कुछ जहरीली शराब से मौतें हुई थी। इसके संबंध में जो उसके एक्टिव सदस्यों को जेल भेजा गया था, उसके संबंध में एक शराब माफिया गैंग का पंजीकृत किया गया था D74 नाम से, और उसके सक्रिय सदस्य संजय सोनी को एहराला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। ये संजय सोनी मोतीलाल गैंग का एक सक्रिय सदस्य है और ये इसके द्वारा दो दुकानें जलालपुर में और मित्तुपुर में थाना पवई क्षेत्र में दो दुकानें अपने नाम से लाइसेंसी ठेके की ली गई थी, और उसकी आड़ में मोतीलाल और उसका पूरा गैंग अवैध शराब बनाकर इन ठेकों से बेचा करता था। ये दोनों दुकानें संजय सोनी के नाम थी और इसी के द्वारा उनका ठेका लाइसेंस लिया गया था। संजय सोनी एक सक्रिय सदस्य है, इसकी गिरफ्तारी की गई है, आज जेल भेजा जा रहा है और बाद में गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर इनकी इस धन से अर्जित जो प्रॉपर्टी है वो कुर्क की जाएगी। हमारी खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिए।